अध्याय 10 नैतिकता की परिभाषा और इसका सार्वजनिक प्रशासन में अनुप्रयोग। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रशासन संस्थान में पहुंच चुके थे, जहां एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की जानी थी। इस संस्थान में सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में नैतिकता पर गहन अध्ययन किया जाता था। कार्यशाला का विषय था नैतिकता की परिभाषा और इसका सार्वजनिक प्रशासन में अनुप्रयोग। जैसे ही एक्सपी सर और छात्रों ने संस्थान के सभागार में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि कमरे में उत्साही छात्र और शिक्षक मौजूद थे। एक्सपी सर ने छात्रों को बैठने का संकेत दिया और कार्यशाला की शुरुआत की। हम आज नैतिकता की परिभाषा और इसे सार्वजनिक प्रशासन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। गणेश ने सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया। नैतिकता का तात्पर्य हमारे सही और गलत की समझ से है, जो सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत मूल्यों पर आधारित होती है। सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता का मतलब है कि सभी सरकारी निर्णय और कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हों। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सार्वजनिक सेवाएं और संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों। गायत्री ने नैतिकता की परिभाषा को और स्पष्ट किया। नैतिकता वह प्रणाली है जो हमें यह सिखाती है कि हमें किस तरह से सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता का अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखें। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत नैतिकता की कमी है, बल्कि पूरे सार्वजनिक प्रशासन की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। वैष्णवी ने एक प्रासंगिक उदाहरण साझा किया। मान लीजिए कि एक नगर निगम अधिकारी को एक प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत की पेशकश की जाती है। नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार अधिकारी को इस पेशकश को नकारना चाहिए और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाए। राधिका ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। पिछले साल एक राज्य के शिक्षा विभाग में एक अधिकारी ने स्कूलों में किताबों की खरीदारी के लिए अनुशासनहीनता की और अनुचित लाभ प्राप्त किया। इस स्थिति में नैतिकता का अनुप्रयोग यह होता है कि ऐसे अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाए और अन्य लोगों को यह सिखाया जाए कि नैतिक रूप से कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। रोहिणी ने एक सामान्य स्थिति का विश्लेषण किया। पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता का पालन करके सार्वजनिक प्रशासन अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी किसी विशेष समूह के प्रति पक्षपात करता है, तो यह सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों और नैतिकता का उल्लंघन होता है। पूर्वा ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। नैतिकता का अनुप्रयोग तकनीकी रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, एक सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में नैतिकता का अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों। इसके लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। श्वेता ने एक सामाजिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। जब सार्वजनिक प्रशासन नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो यह समाज में विश्वास और संतोष पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब एक सरकारी योजना में पारदर्शिता और निष्पक्षता होती है, तो इससे नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है और वे योजना के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। सुप्रिया ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। नैतिकता का अनुप्रयोग केवल नियमों और कानूनों का पालन करने तक सीमित नहीं है। यह एक सकारात्मक कार्य संस्कृति और ईमानदारी के निर्माण में भी सहायक होता है। उदाहरण के लिए, जब अधिकारी अपने कार्यों में नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं, तो यह पूरे विभाग की कार्य संस्कृति को प्रभावित करता है
और इसे और अधिक ईमानदार और पारदर्शी बनाता है। पूजा ने निष्कर्ष निकाला। नैतिकता का मतलब है कि हम सही और गलत के बीच अंतर समझें और अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखें। सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता का अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय और कार्य पारदर्शी, न्यायपूर्ण और नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। जब नैतिकता को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। काविता ने सभी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हमने देखा कि नैतिकता की परिभाषा और इसका सार्वजनिक प्रशासन में अनुप्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। नैतिकता का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी सरकारी कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हों। इससे न केवल प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि समाज में विश्वास और संतोष भी बढ़ता है। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि नैतिकता की परिभाषा और इसका सार्वजनिक प्रशासन में अनुप्रयोग कितनी महत्वपूर्ण है। नैतिकता का पालन करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी सरकारी निर्णय और कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष और नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। कार्यशाला के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने संस्थान के शिक्षक और छात्रों के साथ बातचीत की और समझा कि नैतिकता को अपने कार्यों में लागू करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि नैतिकता का पालन करके वे अपने पेशेवर जीवन में बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिकता की वास्तविक समझ और इसके सार्वजनिक प्रशासन में अनुप्रयोग को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।